फ्रेंड वेलकम टू दिस चैनल आना एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हीना टक्कर और क्लास 11 के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी अपलोडेड है स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट अपलोड हो गया है। चैप्टर नंबर टू है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा कहाँ से आया, फिर उसके बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे। देखो हमने पिछले वाले चैप्टर में स्टैटिस्टिक के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक एक्चुअल में क्या होता है, उसके फायदे नुकसान कहाँ कहाँ उसकी इंपॉर्टेंस रखती है, वो सारी चीजें पढ़ी हैं। अब कलेक्शन ऑफ डेटा कहाँ से आया उसको जरा जल्दी से समझते हैं। स्टैटिस्टिक हमने दो सेंस में पढ़ा था, एक था प्यूरल सेंस एंड सेकेंड वन इज सिंगुलर सेंस। प्यूरल सेंस में दो चीजें हमने देखी थी, एक तो एवरेज एग्रीगेट देखने को मिला और फिर हम कंपेयर कर लेते हैं चीजों को, वो एक्चुअल में प्यूरल सेंस में स्टैटिस्टिक होती है। और सिंगुलर सेंस में पांच होते हैं COPAI, ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग प्रेजेंटेशन, ए फॉर एनालाइजिंग, आई फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी कि इन पांच टर्म को सिंगुलर सेंस में हमने पढ़ा था, ठीक है। पहली बार जो मैंने आपको काफी कुछ यहाँ शेड्यूल में बताया था तो आपको याद आ जाएगा, अगर पिछली वीडियो में नहीं देखा तो देख लेना। तो सी फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, तो ये वहीं से आया कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब यही वाली चीजों को, कलेक्शन को, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग, ये सारे चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे जो आगे के सारे चैप्टर्स हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा चैप्टर नंबर टू यहाँ से आया, तो आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा को देखो कहाँ से पढ़ना है हम लोगों को। पहले तो सोर्सेज ऑफ डेटा में डिवाइडेड है और एक मेथड्स में। सोर्सेज ऑफ डेटा दो होते हैं, प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। मेथड्स आपको पता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन टेलीफोनिक होता है। पर्सनल में आगे तीन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ओके, एंड इन्फॉर्मेशन में मेलिंग और इल्यूमिनेटर मेथड होता है, ठीक है। जल्दी से इस वाले चीज को स्टडी करेंगे। पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है, तो जल्दी से उसको समझते हैं। पहले प्राइमरी डेटा के डिफरेंस को समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं क्या होता है। अगर सपोज क्लास 11 के स्टूडेंट का मैं डेटा कलेक्ट करना चाहूँ उनकी फैमिली के स्टेटस के बारे में, कि किस स्टूडेंट की फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं और किनकी कितनी कितनी क्वालिफिकेशन है, किसकी कितनी कितनी एज है और वो फूड में क्या कंज्यूम करते हैं, मतलब सारी चीज की इन्फॉर्मेशन ले ली मैंने, ठीक है। और एक जो डेटा कलेक्ट करके एक प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन लेके चार्ट बना दिया हमने, ठीक है। तो वो तो हो गया मेरे लिए प्राइमरी डेटा की मैंने एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की ली है, तो यानी कि वो डेटा कैसा होता है, ओरिजिनल होगा, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है मेरा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, मुझे आगे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने इस डेटा को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। नो डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे एडजस्टमेंट क्यों नहीं, क्योंकि मैंने खुद नहीं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, तो कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डेटा आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, जैसा मुझे चाहिए था मैंने वैसे ही कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये तो होगा प्राइमरी डेटा, क्योंकि मैंने क्लास 11 की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो प्रॉपर इकट्ठी कर ली। और ये कॉस्टलियर होता है क्योंकि इसमें हर एक चीज बहुत ज्यादा, एक एक चीज पूछनी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है, एफर्ट बहुत लगता है, ठीक है ना, हर चीज की बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आती है, ठीक है। अब बात आता है सेकेंडरी डेटा क्या होगा। अब सेकेंडरी डाटा सपोज कोई स्कूल में दूसरे टीचर है, उन्होंने सेम जो है क्लास 11 के मुझसे डेटा पूछ लिया, ठीक है, बट उन्होंने मेरे से सारा डेटा नहीं पूछा, सिर्फ एक ही चीज की इन्फॉर्मेशन मांगी कि क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फैमिली की जो मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये वाला डेटा चाहिए मुझे एक, तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे पास डेटा ऑलरेडी सारा कलेक्टेड है, आपको उसमें से जो जो चाहिए आप उसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, वो तो होता है सेकेंडरी डेटा, क्यों उनके लिए वो सेकेंडरी है, ठीक है, बट जो मैंने खुद ने कलेक्ट किया है वो प्राइमरी डेटा है, क्योंकि मैंने खुद ने कलेक्ट किया है, ठीक है। सेकेंडरी डाटा उनके लिए है और ओरिजिनल नहीं होगा, उनको नहीं पता कि मैंने ये डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया है, सही से किया भी है या नहीं किया, तो वो बोलेंगे कि मेरे लिए डाटा ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, बट मेरे लिए तो ओरिजिनल है, सम अदर पर्पस, उनका पर्पस कुछ और है, मेरा तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे जो जो कलेक्ट करना था मैंने उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट कर लिया, उनका पर्पस कुछ और था तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट किया। लेस एक्सपेंसिव होगा, कम एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि उनका टाइम एफर्ट बहुत ही कम लगे हैं, उन्होंने तो बस मेरे से डेटा ले लिया और उसी को ही थोड़ी सी देर में एडजस्ट कर दिया। कहां मुझे डेटा कलेक्ट करने में काफी दिन लगे होंगे, धीरे धीरे करके डेटा कलेक्ट किया मैंने और उन्होंने तो सिर्फ थोड़ी ही देर में उसको एडजस्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, तो वो उसके लिए सेकेंड, उनके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। नीड टू बी एडजस्टेड, उनका डेटा को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो पूरा उठा के दे दिया उन लोगों टीचर को और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो निकाल के
अलग से जो है शेड्यूल बना लिया तो उनको एडजस्ट करना पड़ा। आई होप स्टूडेंट आप प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा समझ गए होंगे, नहीं समझे तो शॉर्ट टर्म से समझिए। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है जब हम खुद अपने स्पेसिफिक पर्पज के लिए डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है, टाइम बहुत लगता है, एफर्ट्स बहुत लगते हैं, हर एक चीज बहुत लगती है और हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए प्राइमरी होता है। सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है कि हमने जो भी पर्सन को डेटा चाहिए वो खुद मेहनत नहीं कर रहे, ऑलरेडी डाटा बना पड़ा है, ऑलरेडी सेट है डाटा, बस उसको अपने अकॉर्डिंग जो उनके लिए इन्फॉर्मेशन मायने रखती है बस वो निकाल के उसको थोड़ी देर में एडजस्ट कर लेते हैं। मेहनत नहीं लगती सेकेंडरी में, कुछ भी नहीं लगता, बस एडजस्ट करना पड़ता है, वो उनको सस्ता पड़ता है। तो वही क्या होता है सेकेंडरी डाटा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने क्लास 11th के लिए लिया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब हमें समझना है मेथड्स, मेथड्स में हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल का डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नाम से क्लियर है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, यानी डेटा को पर्सनली कलेक्ट करते हैं उसी को हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। दो टर्म है, कंफ्यूज मत होना इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट में। इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, ठीक है। रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जो रिस्पॉन्स करता है, जो आंसर देता है, ठीक है। इसका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मेरे को किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कलेक्ट करना था और किसी भी कंपनी का डेटा कलेक्ट करना है, जानना है कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, तो वो मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी कि मैंने एक एक पर्सन के पास जाके एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन मांगी, यानी कि एक एक चीज एक एक एम्प्लॉय की सैलरी पूछी, वो मेरे लिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मैंने खुद एक एक चीज एक एक पर्सन से पूछा, ठीक है। सूटेबिलिटी क्या होगी, एक्यूरेसी होगी क्योंकि मैंने खुद ने पूछा है, मुझे पता है उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स किया है, और लिमिटेड एरिया ही कवर होता है, पूरे वर्ल्ड का मैं चाहूँ कि सबका डेटा कलेक्ट कर लूँ, हर एक पर्सन की सैलरी पूछ लूँ, तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। लिमिटेड एरिया मतलब कुछ ही एरिया ये कवर हो सकता है। सूटेबिलिटी आप समझ गए होंगे ये मेथड कहाँ सूटेबल रहता है, इसीलिए हमें सूटेबिलिटी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि मेथड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा वाला कहाँ पे अप्लाई होने वाला है। इसके कुछ फायदा और नुकसान है इस मेथड के। फायदा ये है ओरिजिनल होगा, ऑरिजिनलिटी होगी इसके डेटा में, और एक्यूरेसी होगी क्योंकि मैंने खुद ने कलेक्ट किया, बहुत अच्छे से पता है उन्होंने कैसे आंसर्स किए हैं, तो मुझे किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है कि मैंने खुद जो है कलेक्ट किया है। डी मैंने बुराई इसकी यही है कि एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट आती है बट ये कॉस्टली होता है, महंगा पड़ता है, टाइम एफर्ट सब कुछ प्रॉपर लगता है, लिमिटेड कवरेज होती है, सिर्फ कुछ ही एरिया कवर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये इसकी डिमेरिट हो गए। नंबर टू, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप विटनेस वर्ड से याद रखना शॉर्ट में। कैसे, जैसे मुझे किसी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज किसी भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसी एम्प्लॉय से चाहिए, बट वो जो पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, उसको कहीं लाइक शादी में जाना पड़ गया, पार्टी में जाना पड़ गया, और भी बहुत सारी कुछ रीजन हो सकते हैं कि वो बीमार हैं और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो पर्सन वहाँ अवेलेबल नहीं है, उसके बजाय उनके रिलेटिव फ्रेंड्स कोई भी उनके प्रति आंसर दे रहे हैं, तो वही हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। नाम से भी किया है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट हो रहा है और ओरल हो रहा है, या फोन पे भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही तो लेनी है उनसे। तो सूटेबिलिटी कहाँ होगी इसकी, कहाँ सूटेबल रहेगा, कवरेज लार्ज एरिया, ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेगा क्योंकि हमें जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही लेनी है, चाहे हम वहां जाके लें, चाहे फोन पे लें, कैसे भी लें, बस हमें तो इन्फॉर्मेशन से मतलब है, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि वो पर्सन तो अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा पर्सन ही देगा उसकी बजाय आंसर। नंबर टू, नॉट पॉसिबल टू रिस्पॉन्डेंट कॉन्टेक्ट विद रिस्पॉन्डेंट, यानी नॉट पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट विद रिस्पॉन्डेंट, यानी जो रिस्पॉन्स करने वाला है उससे कॉन्टेक्ट तो वैसे भी नहीं होना, जब वैसे ही नहीं होना तो हम फिर इन्फॉर्मेशन तो कैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ फायदे हैं, बहुत सिंपल है और ये महंगा कम है, लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि पर्टिकुलरली एक एक प्लेस पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी, तो हम अपने टाइम को और अपने कॉस्ट को बचा सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी, तो वो हमारा फायदा है। इसकी बुराई ये है कि लेस एक्यूरेट होगा, क्या पता उन्होंने जवाब सही ना दियो, क्या पता उन्होंने सर्वे को जल्दी खत्म करने के लिए कुछ भी जवाब दे दिया हो, या फिर जो उन्होंने आंसर किया उसके बजाय कुछ आंसर कुछ और ही था, बट उन्होंने जो है तुक्का मार के आंसर बता दिया, तो वो लेस एक्यूरेट होता है। नंबर टू, डाउटफुल कंक्लूजन्स रहते हैं, क्योंकि हमें पता अगर हमसे खुद जाके पूछते तो हमें लगता कि सीरियसली आंसर सही हो सकते थे, बट हम अभी डाउटफुल रहेंगे। कौन डाउटफुल रहेगा, जो कि इन्वेस्टिगेटर होता है, कि जो आंसर उसने दिए हैं
सही भी दिए हैं या नहीं दिए, बस काम चला दिया, ठीक है। तो डाउटफुल कंक्लूजन, तो हम जो है प्राइमरी डेटा का दो मेथड पढ़ चुके हैं, अब थर्ड जो है मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा है, वो है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल और करस्पॉन्डेंट, ठीक है। तो जल्दी से इसके मीनिंग को समझते हैं, क्या कह रहा है इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन एंड और करस्पॉन्डेंट। देखो लोकल पर्सन ही करस्पॉन्डेंट होता है, दोनों एक ही बात है। ये थर्ड मेथड जो होता है हमारा प्राइमरी डेटा का, इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, बता दें तो वैसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इन्वेस्टिगेटर कौन होता है। इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है स्टूडेंट जो डेटा को कलेक्ट करता है, ओके, यानी कि जो डेटा को कलेक्ट करेगा वो इन्वेस्टिगेटर होता है। रिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है जो रिस्पॉन्स करता है, जो आंसर देता है, ठीक है। और लोकल पर्सन कौन होंगे, उसी को ही हम करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। साथ साथ हम नोट्स बनाते जाइए, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल पर्सन यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें लोकल पर्सन से मिलेगी, और अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से ये जो है पर्सन हायर किए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो अभी दिल्ली में है, ठीक है, और वो एग्रीकल्चर के कुछ प्राइसेस हैं जो जिसके बारे में वो पता लगाना चाहते हैं, और वो अभी थोड़ा बिजी है, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटर है तो वो क्या करना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट्स के एग्रीकल्चर गुड्स जो है उसके प्राइसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्होंने अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग अपॉइंट कर दिए और कंटिन्यूअस बेसिस पे वो प्राइस जानना चाहते हैं, तो ये वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट और लोकल पर्सन, ठीक है। सूटेबिलिटी कहाँ पर रहती है इसकी, लोकल और कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन यानी सॉरी रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, यानी कि जब रेगुलर बेसिस पे और लगातार इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें सच में देखना है प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर गुड्स के अलग अलग स्टेट्स में, कैसे चल रहा है उसका, तो वो बेसिकली रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन जब होगी तो ही हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया है गुड्स का, लेकिन आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट नीडेड, यानी कि जो हमारी एक्यूरेसी है, डिग्री जो है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही चाहिए और बस कंटिन्यूस और रेगुलर बेसिस पे चाहिए। फायदा क्या है इसका, क्वांटिटी है, ठीक है, स्पेशल पर्पस है, क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटर है वो ये पता लगाना चाहते हैं कि डेफिनेटली कंटिन्यूस बेसिस पे कितने चेंजेस आ रहे हैं प्राइसेस में, ठीक है। डीमेरिट्स इसकी क्या है, लेस एक्यूरेट होगा ये, क्योंकि देखो लेस एक्यूरेट इसलिए होगा क्योंकि अलग अलग जगह से बहुत सारे पर्सन अपॉइंट किए हैं, ठीक है। तो क्या पता किसी ने जैसे 7 या 8 लोग अपॉइंट किए हैं, लोकल पर्सन अपॉइंट किए हैं जिन्होंने 4 ने सही काम करा और 2 या 3 ने अच्छे से काम नहीं किया, तो जो एक्यूरेसी होगी वो कम होगी और डिले भी हो सकता है कलेक्शन में। वही सेम चीज है, टाइम की वजह से डिले हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 2 ने काम कर लिया हो, 3 का भी पेंडिंग हो, ठीक है, इस तरीके से है, तो डिले हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल करस्पॉन्डेंट समझ आ गया। लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल क्या होता है, इसमें 2 मेथड देखने को मिलते हैं, तो मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे और दूसरा इनोमिनेटर मेथड। तो जल्दी से समझते हैं मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे क्या होता है। क्वेश्चनरी आर मेल टू द रिस्पॉन्डेंट, क्वेश्चनरीज तैयार कर दी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करके रिस्पॉन्डेंट को भेज दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिल जाए, ठीक है। इसमें जो है पर्सनल कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, और लार्ज एरिया इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, और जो भी इन्वेस्टिगेटर को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं, जैसे कि 8 या 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, मेल कर दिए जाते हैं, रिस्पॉन्स रिवर्ट मिल जाता है उनको, ठीक है। जैसे इसमें मैंने बिस्किट का एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई नई ब्रांड का बिस्किट मार्केट में आने वाला है, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो ये पता लगाना चाहता है कि जो अभी पब्लिक है वो किस कौन सा टाइप का बिस्किट अभी तक कंज्यूम कर रही थी, ठीक है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखेगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो है वो अपने जो न्यू ब्रांड के जो बिस्किट आने वाले हैं, न्यू कंपनी का जो बिस्किट आने वाला है मार्केट के अंदर, वो उस मार्केट के प्रेफरेंस के अपने बिस्किट को कंपेयर कर लेंगी, ठीक है, इसीलिए वो कुछ जानना चाहती है जिसकी वजह से वो मेल कर देती है। सूटेबिलिटी क्या होती है, लार्ज एरिया कवर करते हैं इसके अंदर, रिस्पॉन्डेंट आर एजुकेटेड, क्योंकि रिस्पॉन्स वही रहेगा जो यहाँ पे पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, मेरिट में आ जाता है, ओरिजिनल होगा, ठीक है। एंड दूसरा वाइड कवरेज, बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा, घर घर जाने की जरूरत नहीं है, एक एक से मिलने की जरूरत नहीं है, मेल कर दो रिवर्ट आ जाएगा, ठीक है। बुराई इसकी ये है कि लेस एक्यूरेसी होती है, कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोग तो है जो रियल आंसर होते हैं वो देते ही नहीं है, कुछ और ही आंसर करके भेज देते हैं, और कुछ लोग इग्नोर मार देते हैं, तो लेस एक्यूरेसी होती है उसमें। नंबर 2 लिमिटेड यूज होता है इसका, लिमिटेड यूज मतलब सिर्फ एजुकेटेड पीपल इसका रिवर्ट देंगे,
और जो अनएजुकेटेड है उसको रिप्लाई नहीं देंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वाला समझ आ गया, तो बहुत सिंपल था। अब हमें समझना है इल्यूमिनेटर मेथड क्या होता है। तो देखो इल्यूमिनेटर मेथड में होता है बेसिकली इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद डेटा को कलेक्ट नहीं करता, वो इल्यूमिनेटर को हायर करता है। इल्यूमिनेटर कौन होता है? जो डाटा को कलेक्ट करवाने में मदद करता है। किसकी? इन्वेस्टिगेटर की। यानी इल्यूमिनेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेटर की मदद करता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और कुछ मनी चार्ज कर लेता है, उसी को बोलते हैं इल्यूमिनेटर, ठीक है, समझ गए। अ क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग उनकी जो इंक्वायरी करनी होती है इन्वेस्टिगेटर को, वो खुद ही क्वेश्चन तैयार कर लेता है। और इल्यूमिनेटर जो है एक एक पर्सन से घर घर जाके उनसे डेटा कलेक्ट करता है, उसी को हम शेड्यूल भी बोलते हैं और इल्यूमिनेटर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने कंताल का लिया, जैसे सपोज वो रिसर्च कंपनी है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ सर्वे करना चाहती है, तो पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो सर्वे होते थे तो वो शेड्यूल टाइप जो नोटबुक बनी होती थी वो घर घर आते थे और आपसे क्वेश्चन पूछते थे। वो अपने जो है कॉलम्स बने रहते थे उसके अंदर यस नो टिक ट्रू फॉल्स, इस तरीके के क्वेश्चन होते थे, वो टिक टिक करते रहते थे, मतलब वो आपसे पूछेंगे, बस आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो खुद ब खुद अपना आप करते रहेंगे, उसी को बोलते हैं इल्यूमिनेटर मेथड, ठीक है। उसकी सूटेबिलिटी क्या होती है? सूटेबिलिटी है लार्ज एरिया को कवर कर लेता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चनरी और ऑलरेडी क्वेश्चन तैयार होते हैं और इल्यूमिनेटर जो होता है स्पेशलाइज्ड होता है, वो जो है रिस्पोंडेंट का मतलब देखता नहीं है, उनसे सिर्फ जवाब मांगकर खुद ही भर लेता है उसको। इन्वेस्टिगेटर जो होता है नीड स्पेशलाइज एंड स्किल्ड, जो हमारा जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर होता है वो स्पेशलाइज होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, तभी तो इल्यूमिनेटर को हायर करेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैरिट इसकी क्या है कि एक्यूरेसी देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारा इल्यूमिनेटर है वो भी स्पेशलाइज ही होगा, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी पर्सन को उठा के इल्यूमिनेटर बना दे और बोल दे कि जाके तुम डेटा को कलेक्ट करके ले आओ, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी भर के ले आना, तो वो काम तो होना ही नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो अच्छे से इसका टेस्ट लेगा, इल्यूमिनेटर का स्किल देखेगा उसकी, उसके अकॉर्डिंगली इसको डेटा देगा कलेक्ट करने के लिए। नंबर टू मेरिट है पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है, जी एक पर्सन से जाके वो पर्सनली कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आ रहेगा। बुराई इसकी ये है कि एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इल्यूमिनेटर जो है वो स्किल्ड होगा, स्पेशलाइज होगा, तो वो पैसे भी चार्ज ज्यादा करेगा, ठीक है, तो एक्सपेंसिव होगा, टाइम तो लगेगा, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग भी आएगी, टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन जाएगा और सर्वे कलेक्ट करेगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से हम लोग क्वालिटीज देख लेते हैं, गुड क्वेश्चन की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। नंबर वन लिमिटेड यूज ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड कैसे होना चाहिए? जैसे कि आप जो है इल्यूमिनेटर है, ठीक है, या इन्वेस्टिगेटर है, वो सोचे कि मैं जो पब्लिक से 200 क्वेश्चन पूछ लूं तो कोई भी जवाब नहीं देगा, हर कोई सोचेगा नहीं जी हम तो इतने वेले नहीं है कि हम रिप्लाई दें, ठीक है, या रिवॉर्ड दें, ठीक है, तो कोई भी इतने क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है, मैंने 100-200 ज्यादा भूल दी है, लेकिन इतना कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होने चाहिए, 8-10 इतने ही क्वेश्चन होने से सफिशियंट रहते हैं, सामने वाला जो पर्सन है वो भी बहुत खुशी खुशी जवाब दे देता है। नंबर टू सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल होने चाहिए, इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए कि कैसे कैसे भरना है, उसमें भी लिखा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए प्रॉपर। तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो मैंने आपके लिए चार लिखती हैं, सफिशियंट रहेंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देती हूँ कैसे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि डू यू हैव अ कार, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सके, क्वेश्चन मार्क, यस और नो, तो इसमें क्या आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ यस नो ट्रू फॉल्स टिक मार्क, गुड बैड एमसीक्यू में टिक मार्क के आंसर जो है वो दे रहे होते हैं, तो ये गुड क्वेश्चनरीज की जो क्वालिटीज है वो होती है, और एग्जांपल भी समझा दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, पर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, डू यू हैव अ कार, ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बोलो, बहुत सिंपल तरीके से पूछ लेते हैं। अब लास्ट जो मेथड आता है वो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, नाम से भी क्लियर है, जो सर्वे है वो टेलीफोन के थ्रू जो है वो सर्वे किया जाता है, ठीक है। इसकी अच्छाई ये है कि ओरिजिनलिटी होती है, फोन पर बात करते ही पता चल जाता है कितना ओरिजिनल है कितना नहीं है, ठीक है, एक्यूरेसी भी देखने को मिल जाती है इसके अंदर। इसकी बुराई है कि लिमिटेड असेस होता है। लिमिटेड असेस कैसे होता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास जो सेलफोन नहीं होता, आज के टाइम तो सबके पास होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट कुछ एरियाज को मैं कवर कर रही हूँ, मतलब कुछ पर्सन को कर रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा नीडी है, ठीक है, तो उनके लिए ये है। और सेकेंड है पर्सनल बायस होता है, ठीक है, तो मैंने हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस, हम लोग प्राइमरी
डेटा के सोर्सेज और मेथड्स पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज। पहला होता है पब्लिश और दूसरा होता है अनपब्लिश। पब्लिश का मतलब है जो पब्लिश कर दिए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गए, जैसे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया हो गया जो कि रिपोर्ट देना करेंसी की, बैंकिंग की, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हो गया, ऐसा बहुत सारे एसोसिएशन है, जैसे ट्रेड मिल हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। नंबर थ्री पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जो अपने डेटा को देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। तो मैंने तीन एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है, और तीनों चीजें समझा दी। सेकेंडरी डेटा का दूसरा पार्ट होता है अनपब्लिश, यानी कि गवर्नमेंट इसके थ्रू ये कलेक्ट होता है और ये पब्लिश नहीं किया जाता, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए होता है गवर्नमेंट के, और ऑफिस रिकॉर्ड के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसको पब्लिश नहीं किया जाता पब्लिक में, उसी को बोला जाता है अनपब्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दो टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे सेकेंडरी डाटा के, वो दो होते हैं, पहला है सेंसस ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज NSSO, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया क्या क्या सर्वे करते हैं, जैसे साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, क्योंकि बेसिकली हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो हम लोग सर्वे जो होगा हमारा सेंसस ऑफ इंडिया, तो वो इंडिया का ही सर्वे करेगा। साइज क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये बहुत सारी चीजें की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे वो कलेक्ट करते रहते हैं। एंड सेकेंड वन इज NSSO, NSSO का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है रिलेटेड टू द वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई एज वेल एज रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया, यानी गाँव और शहरों की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पता लगाना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, ठीक है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई होप स्टूडेंट आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। अब जो है बाकी का टॉपिक जो है आगे देखते हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।